यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। मैं आज गेम प्ले वीडियो की नहीं बोल रहा, एक सेकेंड, आज का वीडियो गेम प्ले वीडियो नहीं है क्या? तो आज के वीडियो में हम कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। हम आज गेम नहीं खेल रहे, बट आज हम रिएक्शन दे रहे हैं वीडियो पे। ओके, सो मेरे दिमाग में आइडिया स्पार्कल हुआ और मैंने स्टार्ट कर दिया। तो आज जो हम वीडियो रिएक्शन देने वाले हैं जिसपे, वो वीडियो है कि एक सी मॉन्स्टर, एक बहुत ज़्यादा खतरनाक सी मॉन्स्टर के बारे में वो बता रहा है। मतलब सुन लेना आराम से, और क्रेडिट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उनके चैनल को भी चेकआउट करिएगा। तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कभी कभार ऐसा लगता है कि हमारी धरती एक खतरनाक जगह बन सकती। भाई की वॉइस देख रहे हो, बहुत हार्ड है यार। है रहने के लिए विज्ञान जैसे जैसे ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहा है, वैसे वैसे अलग और नए प्रकार के रहस्य हमारे सामने आ रहे हैं। हाँ, इसकी बात तो सही है कि भाई हम जैसे जैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, वैसे वैसे नई नई चीज़ें आ रही हैं। जब इंसान आदि मानव था, तब वो जिंगल आला हु करके पता नहीं क्या बड़ा सा स्पीयर बना लेता था, लेकिन अब हम लिटरली स्पेस टाइम के फैब्रिक को समझ सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंसेन है। हमारे हार्डवर्क पे ऑफ हो रहा है, हमें दिख रहा है कि हमने ह्यूमैनिटी के लिए कितनी मेहनत करी है। हमने नहीं, बड़े बड़े लोगों ने। हम क्या करेंगे, हम तो यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं। चलो कोई नहीं, लेट्स कंटिन्यू। विज्ञान ने अब तक हमारे समंदर का सिर्फ 5% ही खोजा है। हर किसी व्यक्ति को इस बात का डर है कि समंदर की गहराई 5%, मतलब 95% ओशन अनएक्सप्लोर्ड है। कोलन में चेक ब्रो, हाउ मच ओशन इज डिस्कवर्ड? ओनली 5% ऑफ ओशन इज डिस्कवर्ड। 5% ओशन ही डिस्कवर है और बाकी का 95% अनएक्सप्लोर्ड है ब्रो। एक सेकेंड, बहुत ह्यूज नंबर है, अगर आपको नहीं पता, बहुत 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 ह्यूज नंबर है ये। अबे हम, मेरे को समझ नहीं आ रहा, हम पता नहीं कहाँ कहाँ अपने सैटेलाइट्स भेज रहे हैं। वो जो वॉयजर है वो पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है, सोलर सिस्टम के बाहर किसी और सोलर सिस्टम में, और हम भाई हमारे खुद का ओशन नहीं अच्छे से एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। हम अपना ओशन ही नहीं एक्सप्लोर कर पाए हैं, सीरियसली। चलो अब आगे देखते हैं वीडियो में क्या बता रहे हैं भैया। में कौन कौन से जीव बसते हैं? ऐसी एक समुद्री जीव है कुथुलू, जिसका सबसे पहला कुथुलू भाई नाम इतना वियर्ड, कुथुलू थुलथुला सा ऑक्टोपस दिख रहा है मेरे को। ऑक्टोपस है ये, ऑक्टोपस है। उल्लेख, साल 1928 में एचपी लवक्राफ्ट नामक ऑथर ने अपनी बुक द कॉल ऑफ कुथुलू में किया। अच्छा, मतलब बुक लिखी थी, तो ये रियल कैसे हो सकता है? मतलब कुछ अवशेष से मिलना चाहिए जिससे पता लगे ये कुथुलू रियल है। यह किताब इतनी मशहूर हुई कि लोगों ने इसे असली मानना शुरू कर दिया। अच्छा, वो फेमस हो गई है कि कुथुलू एक असली जीव भी हो सकता है जो अरब सागर की गहराई में बसता है। इस किताब, डोंट ट्राई टू किड विद मी, लेकिन क्या वो ऐसा दिखता था? क्या वो सच्ची में ऐसा दिखता? कितना बैडास लग रहा है, पीछे पंख है, मुंह पे इतने टेंटिकल्स हैं। मेरे को पेट चाहिए भाई अपना, मैं इस पे बैठ के घूमूंगा भाई, कितना मजा आएगा। ऑरा सा इंक्रीज हो जाएगा गाइस, ऑरा आ जाएगा, पूरे शहर में ऐसे घूमूंगा, हाँ भाई कौन फालतू बोल रहा है, एकदम मस्त होगा भाई। आने के बाद कुथुलू से जुड़े रहस्य बड़ा रूप लेने लगे और लोगों के मन में कुथुलू का डर बैठने लगा। तो क्या होगा अगर कुथुलू सिर्फ किताब के पन्नों में ही सिर्फ ना पाया जाता हो, तो रियल कैसे हो सकता है ब्रो? मौजूद हो हमारे, नहीं मतलब अगर ये रियल है तो इससे पानी वानी पे आना चाहिए ना, कि हाय हाय करके आ जाए, ऐसे आए जैसे कोई शिप आराम से चल रही है और नीचे से आए, हेलो सर, हेलो मैम, जूस पिला दो, मौसम्बी का जूस पिला दो, मूड ऑफ है मेरा। उसे ऑक्सीजन भी तो चाहिए होगा, अगर उसके पास फिंस है तो। चलो मेरा दिमाग अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, सुन लेते हैं हम, पहले सुन के कंक्लूजन पे आएंगे। ये दुनिया किस तरह से बदल जाती अगर हम कुथुलू जैसे जीव की खोज कर लेते? चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर खोजें। क्या हो जाता? लवक्राफ्ट की किताब में कुथुलू को कुथुलू से नहीं बल्कि अजीब से नाम से पुकारा।
कुथुलू नहीं है ये, खुलू है उसकी बुक के हिसाब से। खुलू भाई, जिंगल वाला हु चल रहा है क्या? ये क्या इल्यूमिनाटी के लोग हैं क्या भाई? एक सेकेंड, पता कारा नहीं। गया है। किताब में ऐसा लिखा गया ओके, है कि कुथुलू का नाम किसी एलियन भाषा में है जिसे इंसान एलियन, ना तो समझ सकता है और ना ही बोल सकता एलियंस, है। किताब वाओ। में कुछ ऐसा लिखा गया है जिसे सुनकर आप भी कुथुलू के असली में पाए जाने का विचार करने लगेंगे। किताब के हाँ बताओ अनुसार भाई क्या कुथुलू है। पृथ्वी का जीव नहीं है बल्कि उसका अच्छा जन्म 23 नेब्यूला में वोर नामक ग्रह पे हुआ। एक सेकेंड, कुथुलू इस वर्ल्ड का है ही नहीं, वो किसी और ही प्लैनेट से आया, लेकिन ये आया कैसे भाई? ये स्पेस में पंख हिला के तो आया नहीं होगा ऐसे, कि स्पेस में ऐसे पंख हिला रहा है। वैसे एक बात बताऊँ, मैं ऑनेस्ट हो रहा हूँ, मेरे को भी ऐसे पंख चाहिए भाई। लाइक कितना कूल होगा कि हमारे पीठ पे ऐसे लंबे लंबे बड़े बड़े पंख हैं, हम उड़ रहे हैं आराम से, भाई कितना मज़ा आ जाएगा। और ये देखो पीछे देखो भाई, कितना बैड ऐस लग रहा है ये भाई। मेरे को ये कैरेक्टर चाहिए भाई, मेरे एज पेट चाहिए, एज पेट। और कई सालों बाद कुथुलो पृथ्वी ग्रह पर आकर यहीं बस गया। पृथ्वी ग्रह अच्छा, पर आने के बाद उसे पृथ्वी ग्रह पे ऐसा दिख क्या गया भाई? और कुछ सालों, अच्छा ठीक है, उसे पृथ्वी ग्रह पे कुछ तो दिखा होगा मस्त वाला, जैसे वो पृथ्वी ग्रह पे आ गया। कहीं इसका एक्सप्लोटेशन तो ना कर दे हम लोग? या भाई कुथुलू आओ भाई, आपका मीट बनाया जाएगा, आ जाओ, फिर उसे काटेंगे ब्रो। सी फूड चाइना वाले तो ये भी कर देंगे। बाद ऐसा माना जाता है कि कुथुलू का कई और भयंकर जीवों से युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध? आखिर में सबने शांति से पृथ्वी पर रहने का निश्चय किया। अबे कुथुलू जैसे और थे क्या? युद्ध हुआ है? कुथुलू की भी वॉर हुई थी ब्रो? एक सेकेंड, कुथुलू ने वॉर लड़ी थी दूसरे जीवों के साथ? हैं, सुन लेते हैं ऐसा माना बात। जाता है कि उसने अरब ओके, सागर में रहने का निश्चय किया था। अरब सागर? अबे तो सूरत के पास पड़ता है अरब सागर। रुको आपको गूगल पे दिखा, ये देखो ये है अरेबियन सी, अरब सागर। ओ भाई साहब, ये देखो मुंबई, मुंबई से अरेबियन सी में। एक सेकेंड, क्या जैसे मैं मुंबई में ऐसे बीच पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, डेलिलु में हूँ मैं अभी, और अभी मैं मुंबई के बीच पे ऐसे बैठा हुआ हूँ, ऐसे ऐसे करके बैठा हुआ हूँ, और तभी मैं बहुत ज़्यादा दूर देखता हूँ, बाइनोकुलर्स लगा के ऐसे ऐसे देखता हूँ, और मेरे को ये ऑक्टोपस दिखता है कोई बड़ा सा। तो क्या वो क्या नाम था, क्या नाम था यार? हाँ कुथुलू, कुथुलू, कुथुलू हो सकता है। अच्छा अबे सही है यार, इतना पास है कुथुलू भाई हम आपसे। अरे चलते हैं गाइस, कभी मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स करा तो कोई बोट बुक करूँगा, और यहाँ पे कुथुलू भाई को ढूंढने चलेंगे अरेबियन सी में, मज़ा आ जाएगा। और रेले नामक शहर का निर्माण किया। अच्छा, शहर इसने बनाने के शहर भी बाद बनाया वे खुद अरब का, सागर की गहराई वाओ। में एक लंबी लेकिन इसका शहर बनाया किसने होगा? किसने बनाया होगा भाई? मछलियाँ तो मजदूरी करेंगी नहीं, तो इसने खुद मजदूरी करी, शहर बनाया, और शहर में रह कौन रहा था, ये अकेला? अरे भाई मैं हर चीज़ में अपना लॉजिक क्यों डालता हूँ? सॉरी सॉरी, मैं आपका मजाक भी खिलखिला कर नींद रहा के लिए हूँ। चला गया और सब कुछ अच्छा ठीक था, लेकिन डायनासोर के अंत के दौरान पृथ्वी पे हैं, बड़ी आपदा आ पड़ी डायनासोर से भी पहले आए थे ये? वाओ और कुथुलू का बनाया हुआ शहर भी पानी में डूब गया। हैं, वो सैड यार, कुथुलू भाई, कुथुलू भाई, आई एम सो सैड, आपका शहर डूब गया जो कि आपने अपने अकेले के लिए बनाया था, और आपने अकेले बनाया था अपने टेंटेकल्स का यूज़ करके। अभी मैं अभी भी सोच रहा हूँ ये मजदूरी कैसे कर रहा होगा। और कुथुलू हमेशा के लिए अरब सागर की गहराई में कैद हो गया। अभी भी अरब सागर में? ओ भाई साहब मज़ा आएगा गाइस, कभी हंट पे निकलेंगे, कभी कुथुलू भाई को ढूंढने चलेंगे। कुथुलू भाई एकदम मस्त लग रहे हो, लेकिन तभी चलेंगे जब इस वीडियो पे 1K व्यूज़ हों, और मेरे चैनल पे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हों, और मेरे साथ तुम लोग भी चल रहे हो। हाँ मैं अकेले जाऊँगा तो डर लगेगा। ओके अच्छा, कहते हैं कि जिस दिन कोई व्यक्ति कुथुलू के गुमनाम शहर रिले को ढूंढ लेगा, उस दिन कुथुलू फिर से जाग उठेगा और पूरी दुनिया पे राज करेगा। अबे लेकिन ढूंढना क्यों है फिर? मत ढूंढो, क्या चुल मची पड़ी है कि ये वापस से ऑक्टोपस आ जाए, हम पे राज करने लगे? क्या चुल मची है गाइस, जो हो रहा है रहने देते हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, आराम से वो सो रहे हैं अपने भाई। हमें क्या जरूरत है भाई इनका देश ढूंढने की? हमें थोड़ी ना मिलेगा देश, वो तो हमें तबाह कर देगा।
बनाया हुआ शहर बड़े बड़े पत्थरों और मूर्तियों से बनाया गया था। और आपको यह जानकर हैरानी होगी, लेकिन वैज्ञानिकों को समंदर से कई बार ऐसे अवशेष मिले हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो सच में कोई ऐसा शहर पृथ्वी पे हुआ करता था जो कि पानी में डूब गया। ब्रो एक सेकंड, कुथुलू सच्ची में होता है? डर लग रहा है, डर पता चले मैं बोल रहा हूँ, मैं फालतू बोल रहा हूँ कुथुलू के बारे में। कुथुलू भाई सीधा वहाँ से डाइव मार के आए, अरेबियन सी से पास तो है, डाइव मार के आए सीधा दिल्ली में लैंड करें, वो मेरे घर के ऊपर यार, फिर दिक्कत हो जाएगी, मैं सोऊंगा कहाँ और मैं वीडियो कहाँ रिकॉर्ड करूँगा। किताब में कुथुलू को एक विशाल जीव माना गया है। विशाल तो है ही भाई, 150 से 160 फीट तक ऊंचा है कुथुलू। 150 से 160 फीट, अगर तुम्हें सोचना है तो जैसे मैं हूँ, मेरे जैसे तुम कितने हुए, 20, 10, तो मेरे जैसे 30 लोगों को सर के बल ऐसे ऐसे खड़ा कर दो, तब कुथुलू जितने लंबे होंगे, मतलब एस्टिमेटेड। ओ ब्रो कुथुलू भाई आप तो बहुत बड़े हो, आप कौन सा दूध पीते थे, बॉनवीटा या कॉम्प्लान? उसका मुंह एक ऑक्टोपस का है जिससे 45 टेंटिकल्स बाहर की ओर निकलते हैं। 45 इंसानों जैसे हाथ पैर हैं, लेकिन सबसे खतरनाक बात कुथुलू की ये है कि इस जीव के पीठ पर एक ड्रैगन की तरह दिख रहा है भाई, ड्रैगन की तरह पंख हैं इसके भाई, इसी ने तो मेरे को अट्रैक्ट कर लिया कुथुलू भाई की तरफ। कुथुलू भाई जिंदाबाद, ये मेरे को बोरो करने के लिए दोगे क्या अभी? लेकिन ये कर क्या रहे इंसान, ये कुथुलू भाई को क्यों देखना है? अरे कुतुल भाई देखो, माफ़ कर दो उस बच्चे को, उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, वो बस आपको ढूंढना है, वो अपनी क्यूरियोसिटी देखना है। पंख मौजूद है जिसके कारण यह पानी में भी रह सकता है और हवा में भी उड़ सकता है। कुथुलू की आंखों को हिप्नोटाइजिंग माना गया है, यानी कि अगर कोई इंसान ब्लू आईज हिप्नोटाइज, छोड़ो कॉपरेट आ जाएगा कॉपरेट, इस जीव की आंखों की ओर देख ले तो वह पागल हो जाएगा और कुथुलू उसे हर रूप से कंट्रोल भी कर सकता है। एचपी लवक्राफ्ट ने ऐसा लिखा है कि कुथुलू का जन्म सिर्फ इंसानों के दिल में भय बनाने के लिए हुआ है। अबे एक सेकंड, ये तो एलियन था ना, तो ये अपने जैसे, हम अज्यूम कर लेते हैं, वापस अज्यूम कर लो, मेरी ख्यालातों में आ जाओ, ये रहता है किसी एलियन प्लैनेट पे और बहुत पहले की बात है, उस वक्त तो इंसान भी नहीं होते थे, हैं? उस वक्त तो डायनासोर थे ना, वो भी मर गए थे, उनसे भी पहले आया था, इसने शहर भी बना लिया था। ओ भाई ये क्या क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कुथुलू भाई, देखो आप अपनी रियल आइडेंटिटी बता दें, नहीं तो हम आपके साथ बहुत बुरा करेंगे, करेंगे भाई करेंगे। रेजिडेंट एविल में आ जाना, उसमें तो जैसे डिमित्रेस्कू को उड़ा उड़ा के मारता, वैसे आप क्या हो मेरे सामने हैं बोलो? इस बात का भय कि अगर प्रकृति से हमने छेड़छाड़ की कोशिश करी तो समंदर की गहराई से इंसानों का अंत जाग उठेगा। अगर ये जीव समंदर में ये कितना स्केली लग रहा है, ये मतलब एक्चुअल में इतना बड़ा होगा, 160 फीट का था ना, इतना बड़ा थोड़ी ना होगा एक मेरी स्क्रीन का इतना आ रहा है, ये इतना सीन भी बड़ी है मेरी रहा होगा, तो हमें कभी भी कुथुलू के अस्तित्व की खबर नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने गहरे समंदर में से खोजा तो कुथुलू उसे वहीं खत्म कर देगा। और वेरी बैड कुथुलू भाई, ऐसे ऐसे किसी को करना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं आप पे FIR लॉज करवा दूंगा, फिर आप देखना आप पुलिस थाने में जाओगे, पुलिस थाने में आपको रोटी वोटी नहीं देंगे, आपको ढंग से न्यूट्रिशन नहीं देंगे, वो जो आप सोच रहे हो ना कि 50,000 मछलियां दिन का खा लोगे, दो रोटी ढंग की नहीं देते वो लोग। अब मेरे से मत पूछो मेरे को क्यों पता है, बस पता है किसी तो सीरियल में देखा था मम्मी के साथ बैठ के, चो इग्नोर डैट। हाँ आपको रोटी भी ढंग की नहीं मिलेगी, वो भी दो मिलेगी, सुकुड़ जाओगे, फिर कौन बचाने आएगा, कौन सा एलियन आएगा आपको बचाने, हैं बताओ बताओ? यदि कोई जिंदा लौट भी आए तो हम कभी भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर कौन करेगा भाई विश्वास, कोई आके बोल रहा है कोई, अज्यूम अज्यूम वापस मेरे डेलू में आ जाओ, जैसे कोई इंसान आया आया वो डाइव मार के आया और उस वो बोल रहा है कि भाई समुद्र में ना एक अजीब सा दानव सा है, ऐसा दिखता है एकदम ऐसा, और 50-60 टेंटिकल्स हैं उसके मुंह पे और बड़ा बड़े से पंख है और इंसान जैसा दिखता है और बहुत बड़ा है भाई बहुत बड़ा, तो क्या कोई बिलीव करेगा? नहीं आप ही बताओ, आप बिलीव करोगे?
नहीं करोगे ना तो भाई एकदम सही कह रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति कुथुलू को देखकर वापस आ जाए तो वह उसकी हिप्नोटाइजिंग शक्ति के कारण कंट्रोल में होगा और धरती पे लौट के कुथुलू के जागने की तैयारी में लग जाएगा। अगर कुथुलू मेरे को भी ज्वाइन करना है भाई कुथुलू का कल्ट। सोचो अभी हम सच्चे में कुथुलू पे राइड कर पाएंगे, ऐसे पीछे खड़े होके ऐसे राइड करेंगे। वो हो मजा आ गया। कुथुलू भाई, कुथुलू ना, कुथुलू भाई लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, कुथुलू भाई राइट राइट राइट। अबे यार मैं कुथुलू को उड़ाना तो सीख लूँगा। जैसे अज्यूम 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 मैंने कुथुलू को उड़ाना सीख लिया और जैसे मैं यूएस पहुँच गया, यूएस पहुँच गया, मैं न्यूयॉर्क भी पहुँच गया, ठीक है, मैं घूमते घूमते न्यूयॉर्क पहुँच गया। वहाँ के लोगों को फ्लैशबैक्स नहीं आएंगे कि भाई पहले प्लेन आया था, अब ये क्या आ रहा है। फिर से जाग उठता ओके है तो वह सबसे पहले बोल हमें रहा है भाई। उत्तरी अरब सागर की ओर ए दिखेगा, यो, जहां उसके बनाए हुए शहर के डूबे जाने की बातें होती हैं। उत्तरी नींद से अरब उठते हुए सागर, सब नॉर्थ अरेबियन सी, ये तो यहीं पड़ा ना सूरत के पास। अरे भैया प्रिटी से डेंजरस। पहले धरती के सबसे ओके ताकतवर जानवर को मारने का सोचेगा। सबसे ताकतवर जानवर को धरती पे, सबसे ताकतवर जानवर तो हाथी होता है ना, हाथी। ये हाथी को तो डिनर, ये हाथी तो ब्रेकफास्ट में खाएगा। अरे भाई तू चुप हो जा भाई, मेरे को रिकॉर्ड करने दे। हाँ हाथी तो ये ब्रेकफास्ट में खा लेगा, वो भी पाँच छः के 1,000 2,000 खा लेगा। ये तो कुछ नहीं है इसके लिए तो। जैसे हम खाते हैं ना टॉफी, नॉम 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 नॉम, ये वैसे खा लेगा हाथी को तो। अबे करना क्या चाहता है। यानी कि इंसान अच्छा, अरे भैया सॉरी। बाबू ठीक है। अरे यार मैं क्या सोचता हूँ यार, सबसे पावरफुल एनिमल इंसान है दुनिया का, हम इंसान ही है, मतलब ये हमें खत्म करेगा। जिसके भैया माफ चलते वे करो, सबसे पहले हमला न्यूजीलैंड देश पे करेगा। न्यूजीलैंड पे करेगा इतना बड़ा जीव। अबे वो एक हाथ ऐसे करेगा ना, न्यूजीलैंड पूरा खत्म है, शमशान घाट बन जाएगा। क्या बात कर रहे हैं भाई ये। जो उत्तरी अरब सागर के सबसे पास हैं, जिस हाँ तरह से कुथुलू की उत्तरी अरब सागर, एक सेकेंड, तो नॉर्थ अरेबियन सी भी यहीं पे पड़ता है, तो इसके पास न्यूजीलैंड तो उधर है कोने में। यार इससे अच्छा आप मुंबई आ जाओ कुतलू भाई, मैं बता रहा हूँ मुंबई आओगे ना एकदम अच्छी सर्विसेज मिलेंगी आपको। या तो आप सूरत भी आ सकते हो। देखो हम अपने मेहमानों की, अपने अतिथि की बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं। नमन नमन, हम बहुत अच्छे से आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन आओ तो सही। या ये देखो यूएई भी बड़ा पास लग रहा है, यहाँ पे जाके थोड़ा तहलका तो मचा के देखो। हाँ शक्तियां बताई गई हैं, उस हिसाब से अकेला न्यूजीलैंड इस जीव को नहीं रोक पाएगा और बोल तो दुनिया रहा के सभी हूँ, एक ताकतवर हाथ का देश हिट काफी मुख्य रूप है। से अमेरिका, चाइना, हाँ रशिया हाँ और भारत को साथ। ओ मोदी जी, जय बाबा की, कैसे हो। मोदी जी, मोदी जी आप तो एक थप्पड़ में रोक दोगे। जय मोदी जी, जय मोदी जी, ठीक है। खाना होगा और इस जीव को मार गिराने का तरीका सोचना होगा। अच्छा कुथुलू इतना ताकतवर है कि परमाणु हाँ हथियार इसे रोक सकता है, लेकिन उसे रोक पूरी सकता तरह है से मार गाइस, गुड गिराने के न्यूज। लिए कितने परमाणु बम लगेंगे यह कहना बहुत मुश्किल है। अबे जैसे इसने बोला कि 150 फीट का है, तो 5-6 परमाणु बम इसके लिए पूरा इनफ है भाई, छीतड़ उड़ा देंगे। हो सकता है भाई। कुल मिला के बात यह है कि अगर कुथुलू हाँ जैसा जीव असल में है तो और मस्त लग रहा है भाई, कितना बैडास लग रहा है, देखो तो। वे जाग गया तो उसे रोकना हम इंसानों के लिए बहुत कठिन होगा। धन्यवाद अच्छा दोस्तों, वो तो अगर है वीडियो ही पसंद गाइज, इनकी वीडियोस, इनकी इनका चैनल चेकआउट करना। ये वीडियो इन्हीं की है जिसपे मैंने रिएक्ट किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हमारी ट्रिप टू कुथुलू जल्दी स्टार्ट होगी, तो अगर आप सब्सक्राइबर्स करोगे मिलियंस में, और इस वीडियो पे 1,000 व्यूज़ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो चलो थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टाटा। अगली वीडियो इससे खतरनाक होगी। बाय बाय।